अनाज घर में बैठे पंद्रह दिन घर को दिन जाकर कर सकते हो आमार कर सकते हो और सोता है बैठे पंद्रह अल्लाह ऐसे नहीं अपने अल्लाह का नाम नहीं बंदा बनाए अपने बंदे के काम करने वाले अपने भगवान से ऐसा कोई आलम वो जुदा हो गए थे सेपरेशन हो गया उन्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं उनको एक बच्चा भी था बच्चे की वजह से मुझे फिक्र पैदा होगी यार ये बच्चा तो कहीं ऐसा ही हो जाएगा उस माँ के साथ रह लेकिन माँ से ज्यादा एक्सपेंड होते तो मैंने उस को कहा उस जल जारी वो मुझसे बैठ था हजार सीखता था माशाल्लाह बिल्कुल उसका जारी था उनका तू उसको बोला वापस और अपने बच्चे को बचा किसी तरीके से एक एक बंदे को तो जन्म से बचा वरना वो उसको जन्म ले गए वो उसको लेके मेरे हॉस्टल आ गया सत्य उसे रखे हुए जीन उसने पहनी हुई बीवी ने ये दोनों आ गए उसने आके शिकायतें शुरू कर दी अरबों की तो मैं अब क्या कहता मेरे अरबों की तरफ से उनका भाई देख ये जो खराब हुए ना अरब तुम्हारे पास आके हुए अपने मुल्कों में तो वो ऐसे हरकतें नहीं करते जब से तुम्हारे साथ इनकी सोबत संगत हुई है उसके बाद से ये बिगड़े वो आज की भाभी ने सही जवाब दिए उसके बाद वो माशाल्लाह हमारे बड़े काम आए वो इस तरीके से कि जो भी मुसलमान होती ना औरत मुसलमान उसको हम उसके हवाले उसने फिर तौबा की दोबारा करना पड़ा हमारे हाथ पे फिर जो है वो क्या कहते हैं नमाजें शुरू की गाँव रहना शुरू कर दी वो हमारे पर्देदार जो है ना वो मुबल्लगा थी समझो जो कोई जो है वो मर्द मुसलमान हो उसको हम संभाल लेते जो कोई और उसके हवाले करते वो उसकी जुबान समझती सब कुछ उसको कलमा नुमा सारा कुछ आपस में फिर कभी उनका झगड़ा होता है ना तो फिर मुझे बुला लेते फिर हम हर दफा जाके मैं जब उन दोनों का कजिया सुनता हर दफा मेरा आरंभ जो था वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको ही सुनवा दो टच माय हैंड असल में नशेबाज का जो है ना अभी आप देखो ना वो सारा मुल्क जो है सत्यानाश कर दिया एक नशेबाज ने तीन बेटियां माशाल्लाह अच्छा और इस पूरे घर में कुरान पढ़ा जाता है दिल कर रहा है अब गौ अब गौ अब गौ।